हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको समझाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जिसका कि हम लोग इंडस्ट्री में अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार का टेक्निकल ड्राइंग होता है, जिसे इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका लेआउट, डिस्क्रिप्शन, नामकरण, आकार आदि के लिए आमतौर पर मानकीकृत नियमों के अनुरूप बनाया जाता है। इस तरह के ड्राइंग का उद्देश्य एक उत्पाद या एक घटक के सभी ज्योमेट्री विशेषताओं को सटीक रूप से और स्पष्ट रूप से पेश करना है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का लक्ष्य होता है ऐसी सभी आवश्यक जानकारियों को प्रदान करना जो एक निर्माता को उसके उत्पादन में आसानी हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग को पेंसिल, स्याही, टी स्क्वायर, स्केल, रबर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए हाथ से बनाया जाता है। आजकल इन्हें आमतौर पर CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग। इसमें हम लोग मशीन के पार्ट्स ETC की ड्राइंग बनाते हैं। दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस ड्राइंग में हम लोग रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, डैम ETC का ड्राइंग बनाते हैं। नंबर तीन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें हम लोग मोटर, जनरेटर, पोल्स, टावर, ट्रांसफार्मर, वायरिंग ETC का ड्राइंग बनाते हैं। नंबर चार, ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस ड्राइंग में हम लोग रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर ETC का ड्राइंग बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग व्यू के बारे में। जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो किस किस व्यू में बनाए जाते हैं, जो हमारी ड्राइंग बनी रहती है या बनाई जाती है वो किस व्यू में है। जैसे नंबर एक, आइसोमेट्रिक व्यू। इस व्यू में पार्ट्स 3D में दिखाया जाता है। इसमें सभी वर्टिकल लाइन वर्टिकल होती हैं और पैरेलल लाइन 30° के एंगल पर होती है। ये वर्टिकल और पैरेलल लाइन ट्रू लाइनें होती हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरा है ऑर्थोग्राफिक व्यू। यह व्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग का ब्रेड और बटर है। इस व्यू में 3D ऑब्जेक्ट को 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों होते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तीसरा है सेक्शन व्यू। इस व्यू में अलग अलग सेक्शन को दिखाया जाता है, जो केवल शुरुआत में देखने पर अस्पष्ट नहीं होते। क्रॉस सेक्शन व्यू अच्छा विकल्प होता है हिडन लाइन की तुलना में, क्योंकि यह अधिक स्पष्ट नज़र आता है। नंबर चार, कटआउट व्यू। यह लगभग वही व्यू होता है जिसका उपयोग सेक्शन व्यू को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक मामूली अंतर है कि इसमें साइड व्यू में कटआउट शामिल है। यह रिड्यूस करता है एक ड्राइंग में बहुत सारे व्यू को। नंबर पाँच, डिटेल्स व्यू। यह व्यू हमें किसी पिक्चोरियल डायमेंशन का क्लोज व्यू दिखाता है। यह हमें तब उपयोगी हो सकता है जब एक लार्जर हिस्से के एक छोटे से क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण डायमेंशन शामिल हो। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। जैसे कि हमारे ड्राइंग में आपने देखा होगा कि एक टाइटल ब्लॉक होता है, टाइटल ब्लॉक जहाँ पे जो सारी डिस्क्रिप्शन दिखाए जाते हैं। नंबर दो पे ड्राइंग व्यू, जो अभी मैंने ड्राइंग के व्यू की बात किया, इसमें किस व्यू के ड्राइंग बने हुए हैं वो चीज़ें होती हैं। नंबर तीन, मैन्युफैक्चरर नोट। एक नोट दिया होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जिसको कि दर्शाया जाता है ड्राइंग में। नंबर चार पे GD&T के सिम्बल। GD&T के जो भी सिम्बल यूज होते हैं, यहाँ पे हमें पैरेललिज्म चेक करना है, यहाँ पे फ्लैटनेस चेक करना है, यहाँ पे रनआउट चेक करना है, वो सारी चीज़ें सिम्बल के थ्रू दर्शाया जाता है। नंबर पाँच पे आता है लाइन। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।